कि पुलिस कमिश्नर में जाकर ये जो शिवसेना के भटके भी है, शिंदे गट के एमएलएस जो शरंगेजी फैला रहे हैं, जो अपनी जबान का मियाद छोड़कर बात कर रहे हैं, उनकी शिकायत करेंगे। वो शिकायत करने के लिए हम आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस गए थे। हमारी शिकायत दो बातों की थी कि 6 तारीख को शाम में तापारिया मास्टर गर्म में संजय सिरसाट ने, राजेंद्र जंजाल ने, प्रदीप जायसवाल ने जो फितना अंगेजी की थी उस पर कार्रवाई की जाए, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, उन पर गुनाह नोन किया जाए, एफआईआर रजिस्टर की जाए। दूसरी मांग ये थी कि पुलिस डिपार्टमेंट का महकुमा जिस तरह से धरने को कैमरे में कैद कर रहा है, ताकि यहाँ ऐसी कोई हरकत होती है जो कानून के खिलाफ है तो कार्रवाई कर सके। तो हमने उनसे कहा जहाँ इनके जलसे हो रहे थे वहाँ तुम्हारी पुलिस की मशीनरी आंखें बंद कर क्यों मौजूद थी। हमने कहा मेरे साथ उस डेलीगेशन में मौलाना महफूजुर रहमान साहब थे, हमारे समीर साजिद पिल्डर, हमारे असरार भाई, विकास एटके साहब, असलम पठान, हम सब थे। इन सब ने डीसीपी मोहतरमा गीता मैडम से ये तमाम बातें की है और कहा है कि मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहिबा, आप इनको इस किस्म की आज़ादी मत दीजिए, इनके मुंह को ढक्कन और लगाम लगाइए। एक बात हमने एक अजीजाने गिरामी, हम इस धरने को जम्मू की तरीके से दस्तूर के मुताबिक चला रहे हैं। अगर किसी को अपनी बात कहना है, इजहार ख्याल की आज़ादी है, मगर उसकी भी एक मर्यादा है, उसकी एक लिमिट है। बहरहाल जैसा हमने वादा किया था, हमने नुमाइंदगी की है। मुझे इस बात की तवक्को है कि पुलिस महकुमा जो मेरी आवाज़ भी सुन रहा है, यकीनन इन शख्सियतों पर कार्रवाई कर गुनाह नोन करेगा। रही दूसरी बात, मैं आज खास तौर पर नौजवानों का, मेरे बुजुर्गों का, मासूम बच्चों का इस्तेफा करता हूं कि एक इस्तेखामत के साथ, एक कुव्वत के साथ, एक इत्तेहाद के साथ इस तहरीक को आगे बढ़ा रहे। मैं ये बहुत वाज़े अंदाज में कहना चाहता हूं कि भाई हम दस्तूर की मर्यादा के बाहर नहीं जाएंगे, दस्तूर के चौखटे में रहेंगे। नामांतर हो या हो चुका है तो भी घबराने की कोई बात नहीं, हम जंग करते रहेंगे और ये जंग खत्म नहीं होगी जब तक कि हम अपने मकसद को हासिल करें। आने वाला मौलख तारीख के सफात में इन जियालों का नाम, शहर के नौजवानों का नाम दर्ज किएगा, करेगा कि वो जालिम, जाबिर, खासिब हुक्मरानों के सामने तमाम कमजोरियों के बावजूद
एक ताकत बनकर इत्तेहाद के साथ कुव्वत के साथ अपनी बात मनवाने की कोशिश करते रहे। यकीनन इस मुहिम को और मजबूत करना। एक बात मैं मुंतजमीन की से कहना चाहता हूँ, असराज भाई है, शालिश भाई यहाँ है क्या? खाना खाना नहीं, नहीं सुनो ना, बात दरअसल ऐसी है, हमारे बहुत से साथी इस पूरे मिशन में साथ देना चाहते हैं। कई सबका कॉर्पोरेटर्स मेरे पास आए, असरा भी कहा है, अपन मीटिंग करेंगे बाद में उससे। दूसरी बात, अभी एक बच्चे ने नसम में कुछ बात कही कि कोई साहब अपनी बीवी को नहीं संभाल रहे हैं। उसकी मुनासिबत से मुझे एक तारीखी वाकया याद आ गया। कांग्रेस पार्टी में जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। उस जमाने में भी जनसंघी जहनीयत के कट्टरपंथी हिंदू आरएसएस के कांग्रेस में थे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपनी तकरीर में किया, रिकॉर्ड पर मैं तो भेकम फाक नहीं कर रहा, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बहुत ही रपेट कर, शौर में रपेट कर कहा कि आजाद साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, मुसलमानों पर कुदरत बहुत मेहरबान है, इनके पास औलाद की कसरत है, ज़्यादा बच्चे अल्लाह ताला इनको देता है। यानी उनका कहना ये था कि मुसलमानों में ज़्यादा बच्चे पैदा हो। हमारे मौलाना भी कुछ कम हुशार नहीं थे, रिकॉर्ड पे कहा, पंडित जी आपने सही फरमाया, अगर आप कहें तो कुछ खिदमत हम भी अंजाम देंगे। मगर जान दीजिए बात मजाक की है, मगर हकीकत यह है कि हमारी आबादी से, हमारी ताकत से, हमारे इतिहास से फिरका परस्तों के पेट में कुत्ता। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मौलाना अली मियां नदवी साहब, अबू हसन नदवी साहब, मुझे याद है मीर जंगों की मरकज की मस्जिद में उन्होंने तकरीर की थी। उन्होंने कहा था, तादाद पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए। बहरहाल आपको इस बात पर भी गौर करना है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी हो, अच्छी सलाहियतें पैदा। दूसरी बात जो आपसे कहने का है, हमारे दुश्मन, हमारे मुनाफिकीन, हमारी इस मुहिम को कमज़ोर करने वाले साथी इस बात पे लगे हुए हैं कि हमारी कमजोरियां ढूंढी जाए। तो बड़ा मेहरबानी, अमन अमान के साथ, सलामती के साथ, ऐसी कोई आपसे हरकत ना हो कि काबिल गिरफ्त। बहरहाल इंशाअल्लाह कल भी गुफ्तगु होगी। क्यों तो मामला ये हो गया कि मैं समझ रहा था एक दो ही काफ़ी थे, अब तो हर शाख पे दिख रहा हूँ। अब यहाँ का एक मिनिस्टर है भागवत कराट, वो भी कुछ पकड़ा, उसका अपन समाचार, उसकी खबर कर लेंगे इंशाअल्लाह। मगर हर शाख पे बैठा है, कौन बैठा है समझ गए आप? इस देश को, इस राज्य को, इस शहर को खराब करने के लिए, तबाह करने के लिए हर शाख पे बैठा है। वो जो शाख पे बैठे वाले हैं उनके समाचार और खबर की भी अपन कल देखेंगे क्या करना है। आप तमाम का शुक्रिया, इसी तरह से यही जज्बे के साथ आप काम करते रहें।
हम सब मिलजुल कर एक अच्छे मकसद को हासिल करेंगे और ये तहरीक हमारी जिंदगी में तब्दीलियां पैदा करें। आज नामांतर विरोधी संघर्ष समिति के माध्यम से हमको हमारी बात जमहूरी तरीके से पेश करने का मौका मिला। हमारे दूसरे मसाइल को भी, चाहे वो औकाफी जायदाद का मसला हो, मुसलमानों के रिजर्वेशन का मसला हो, मुस्लिम नौजवानों को जेल में बंद करने का मामला हो, झूठे मुकदमात में फंसाने का मामला हो, या गौ जहाज का फितना हम पर रातने का मामला हो, हम जमहूरी तरीके से इसी तरह से एक मुनज़्ज़िम तहरीक के माध्यम से कोशिशें करते रहेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जय मीर, जय भीम।